देख रहे हैं सत्यम समाचार, मैं हूं प्रीति। एसपी साहब हत्यारोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं मेरे पुत्र की। प्रेम संबंधों के चलते हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी है। थाना के क्षेत्र का एक पीड़ित इसी की शिकायत लेकर एसपी के दरबार पहुंचा है और न्याय की गुहार लगाई है। थाना किसनी क्षेत्र के ग्राम परशुरामपुर में 27 मई को प्रेम संबंधों के चलते एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार ने एसपी को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। थाना किसनी क्षेत्र के ग्राम परशुरामपुर के निवासी राकेश पुत्र साहूकार ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि उसके पुत्र राहुल के गांव की ही एक लड़की से प्रेम संबंध है। लड़का और लड़की राहुल को कई बार समझाया, लेकिन दोनों नहीं माने। दोनों ही शादी करना चाहते थे, एक ही गाँव के दोनों लोग होने के कारण शादी नहीं हो सकती थी। 27 मई को सुबह 7 बजे राहुल नाश्ता करने के लिए जैसे ही बैठा कि राहुल के मोबाइल पर फोन आया, तो घर वालों से आधे घंटे में आने की बात कहकर राहुल चला गया। कुछ देर बाद गांव का प्रमोद विनोद प्रजेश तथा प्रदीप ने आकर कहा कि हम तुम्हारे लड़के राहुल की जिंदगी को खत्म कर दिया है, और कहते हुए चार लोग फरार हो गए। इनकी बात सुनकर राहुल को हर जगह ढूंढा तो राहुल का शव नदी के किनारे एक नीम के पेड़ पर लटकता मिला। 112 नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। राहुल के बाबा साहूकार ने चौकी कुसमुरा पर सूचना दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, लेकिन घटना की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और आरोपी उन्हें समझौता करने पर दबाव बना रहे हैं, ना करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। एसपी से पीड़ित परिवार की जयदीप सिंह, प्रजेश, अनीता, अजय, नेहा, गुड्डी, मंजू, संजू, यीशु तथा सतराम आदि ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जदीप, आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आप आए हैं, क्या समस्या है, किस बात को लेकर के? हमारा भतीजा है, वो मार दिया राहुल। क्यों मार दिया, क्या पूरी मामला क्या है? उस लड़की के संबंध में, तो उसके संबंध थे उस लड़की से, वो हमारा कुछ जमीन का मैटर था जी। दोनों पक्ष इकट्ठे होकर दोनों ने मिलकर मारा है। कौन लोग हैं ये? हमारे गाँव के ही है यार भाई। शिकायत की थी आपने थाने में? थाने में करी, सुन नहीं रहा है, हमारे ऊपर उनका दबाव दे रहा है कि आप पंचायत कर लो, आप उनसे बोलो मत, एफआईआर दर्ज मत कराओ। इन चीज़ों को वो बार बार हम लोगों को पीड़ित कर रहा है। आज एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने ये बोला मैं जांच कराएंगे, और कल मैं एसओ साहब से भी मिला था, तो उस पार्टी को थाने में बिठाने के हम लोगों से बात करा रहा है जो मैं नाम खोल रहा हूँ, और उन लोगों ने मेरे से आके घर पर बोला था, मैं लड़के को मार के आया हूँ। तो क्या समझौते का दबाव बना रहे हैं? वो समझौता पुलिस समझौता